अभी तक नाश्ता नहीं बना क्योंकि वो ना अभी तक मंदिर में ही है। तो हम नाश्ता बनाते हैं, वो चीज़ ना ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। तो मैं ना इस फ़ोन की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, किसी पर भी किसी टाइम में कॉल आ रही तो फिर से ना उसको डिलीट कर रहे तो फिर से रिपीट से वीडियो बना रही हूँ। इतने सारे संतरे लेके आए और लेकिन चार पांच तो सही थे, वो मैंने खा लिया, पूरा टप उठा गया। मैंने बोले कि आ मेरे पति देव ने क्या लाए मेरे लिए हैं। क्योंकि पति देव ना बिना चाय के मंदिर में नहीं जाते हैं, लेकिन चाय पी के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ज्योतिका नोटेल और मेरे ब्लॉग का नाम है ज्योतिका नोटेल ब्लॉग। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 7 बजे से। और आज के मौसम की बात करें तो आज मैंने बहुत प्यारी धूप आ रही है और साथ में ना हल्की हल्की धुंध भी लगी हुई है, हल्की भी नहीं बहुत ज़्यादा धुंध लगी हुई है। और जो ना मैंने कल कपड़े धुले थे ये भी ना आज अच्छी तरह से सूख जाएंगे क्योंकि अभी ना यहाँ पर धूप भी आने लग गई है। इनके थोड़ा पहले उठ गई थी, चाय पी ली हमने, बाकी पति देव जा रखे हैं मंदिर में। तो अब ना सबसे पहले जो काम है मेरा सुबह का होना सफाई करने का है, तो उसी के बाद ना मैं मुँह हाथ धुलूंगी। तो पहले सफाई पे लग जाती हूँ, तो उसके बाद मुँह हाथ धुलूंगी। सुबह सुबह ना इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना क्या ही बताना, जब तक ना धूप नहीं आएगी तब तक ठंड से ना बुरे हाल हो रही है। तो मैंने सफाई भी कर दी है और आज ना मैंने अंदर से की सफाई, यानी कमरे से और यहाँ तक, ये देखो इतनी ज़्यादा गंदगी हो रखी थी ना, तो अभी तक ना मैं सफाई पर ही लगी हुई थी। बाकी मैंने मुँह हाथ धुल दिया है और अब फटाफट बनाती हूँ नाश्ता, नहीं तो पति देव का खाऊंगी मैं। अभी तक नाश्ता नहीं बना क्योंकि वो ना अभी तक मंदिर में ही है। तो अब नाश्ता बनाती हूँ। दोस्तों यहाँ पर ना मेरा नाश्ता भी बन गया है। नाश्ते में रोटी और चाय और मिक्स सब्जी, आलू गोभी और गाजर। तो फटाफट नाश्ता करो। जय श्री राम। मैं सुना रहा ना जय श्री राम, अपने तो सिर राम है। मैं नहीं हूँ, राम है तो तब तू है, राम नहीं है तो कुछ भी नहीं। लो नाश्ता करो। दोस्तों मैंने और पतिदेव ने नाश्ता भी कर दिया है, पतिदेव तो चले गए धूप सेकने बाहर। तो अभी तक ने मेरे काम किया किचन का, यानी कि दूसरी बार झाड़ू भी लगा दिया है। ये देखो अभी ना अच्छी तरह से चमक गया है कमरा। तो ये मेरा फोन का कैमरा ना बिगड़ ही गया है, कभी अंधेरा हो रहा तो कभी उजाला हो रहा। तो अब ना मैं भी थोड़ी देर तक धूप सेकती हूँ क्योंकि बाद में ना यहाँ की धूप चली जाती है जल्दी, तो तब भी खाऊँगी दवाई धूप सेक के। दोस्तों यहाँ पर ना मैंने पतिदेव ने थोड़ी देर तक आराम से धूप भी सेक ली और पतिदेव चले गए हैं धूप सेक के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है अभी के टाइम पर बाहर। और अभी देखो सभी छोटे छोटे बच्चे ना अपने अपने छतों के ऊपर से ना पतंग उड़ा रहे हैं क्योंकि आज ना संडे भी है। और अब ना मैं भी अंदर जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। मैंने तो आज सुबह से स्वेटर भी पहन रखी है क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो स्वेटर पहननी पड़ती है। सुबह स्वेटर भी जाके ना उठा जाता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं उठा जाता है सुबह के टाइम पर। और दोस्तों जो ना मैंने कल कपड़े धुले थे ये भी ना अच्छी तरह से अभी सूख गई है, तो इनको ना बाद में अंदर लेके जाऊंगी। तो अभी ना यहाँ की धूप चली गई है क्योंकि सुबह के टाइम पर ना यहीं पर धूप आती है। और अभी ना उधर साइड चली गई है कोने में, तो वहाँ से भी ना थोड़ी देर में जाने वाली है धूप। यहाँ पर ना 2-3 घंटे तक धूप रहती है, उसके बाद ना ऊपर की छत में चली जाती है। दोस्तों अभी कर रही हूँ मैं यहाँ पर पानी गरम दवाई खाने के लिए,
ठंडा पानी का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पीने का। बाकी आजकल मैं रोज गर्म पानी पी रही हूँ सुबह से। हम दोस्तों अभी बज चुकी है शाम की 3, तो अभी तक ना थोड़ा बहुत आराम किया है, तो मेरे कपड़े भी ना अच्छी तरह से सूख गए हैं, तो इनको ना अंदर लेके चलती हूँ, क्योंकि अगर ना ऐसे रखूँगी इनको तो रात को ना फिर से गीले हो जाएंगे, क्योंकि रात को ना बहुत ज़्यादा वो धूप पड़ती है। और दोस्तों आज ना मेरे फ़ोन पर वीडियो ज़्यादा ही गंदी बन रही है, कभी मैं काली आ रही तो कभी ना मैं गोरी आ रही हूँ, यानी कि जो चीज़ ना ज़्यादा ढंग से रखते हैं वो चीज़ ना ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। तो मैं ना इस फ़ोन की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, लेकिन जिस दिन से ना ये टूटा है तो उस दिन से ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। क्या करें, मैं ना बार बार चेक कर रही हूँ कि वीडियो कैसी बन रही, किसी टाइम में काली आ रही तो फिर से ना उसको डिलीट कर रही हूँ, तो फिर से रिपीट से वीडियो बना रही हूँ। पहले मैंने कपड़े भी रख दिए हैं, तो अब से टॉप पहन दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई है। स्वेटर को मैंने आज सुबह से ही पहन रखी है। बाकी इनकी बात करें तो इनका ये काम बहुत है, बस फोन पर बार बार क्या क्या देख रहे, मेरे को समझ नहीं आया। हो गई नींद पूरी सोए आ गया ये नहीं, आज पता इनको दुकानदार ने लूट लिया, ये देखो इनका माल इतने सारे संतरे लेके आए, और लेकिन 4-5 तो सही थे, वो मैंने खा लिए है, और ये देखो पूरे सड़े हुए संतरे, कितने में पड़े हैं संतरे 100 रुपये में। इन्होंने कहा कि आज मेरे को कितने अच्छे मिल गए 100 रुपये में इतने सारे संतरे, लेकिन बाहर से तो अच्छे दिखाई दे रहे, जो इनके छिलके जब ना इनको छिल रहे ना अंदर से तो कड़े कड़े भी हो रहे हैं, पूरे ना सड़े हुए भी है, तो क्या करें ऐसे बनाते बेकूफ दे दुकानदार, यानी कि वो दुकानदार की किस्मत में 800 रुपये थे, नहीं हमारी किस्मत में ये सड़े हुए संतरे थे, सही उसमें से सही थे पर वो मैंने खा लिए, ये ज्यादा सड़े हुए देखो दोस्तों, पूरे ना कड़े कड़े हो रहे हैं अंदर से, बाहर से इतने प्यारे लग रहे, वाह कितने अच्छे मीठे होंगे, मैंने बोला कि अब मेरे लिए कितने सारे संतरे हो गए खाने के लिए, और नीचे से देखो ये पूरा टप उठा गया, मैंने बोला कि मेरे पति देव ने क्या लाए मेरे लिए है दोस्तों पतिदेव तो अभी तक फ़ोन पर वीडियो देख रहे थे, यानी कि पता नहीं क्या देख रहे थे, यानी कि लगे रहते हैं पता नहीं यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, तो मैं ना वहाँ पर अभी तक बैठी हुई थी धूप पर, तो वहाँ पर ना मैंने धूप 2-3 संतरे खाए, लेकिन जो संतरे खाए ना मैंने इतने ज़्यादा कड़े हो रहे थे ना, वो पूरा मुँह मेरा उस टाइम से कड़ा हो गया है। मैंने सोचा कि आज ना पतिदेव ने मेरे लिए बहुत सारे संतरे ला दिए हैं, लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने बाहर से अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और ये संतरे ना पूरे 100 रुपये में है। मैंने बोला कि 100 रुपये में इतने सारे संतरे कैसे आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे उस टाइम पर, लेकिन अब क्या करना उन संतरों को, अब फेंकना ही पड़ेगी, थोड़ी देर में देर में फेंकूँगी, अब 2-3 दिन में फेंकूँगी, जो अच्छे होंगे उनमें उनको खा लेंगे, और जो कड़े होंगे ज़्यादा उनको ना फेंक देना है, उनको तो गाय भी नहीं खा सकते। दोस्तों पतिदेव तो चले गए नहाने, तो तब तक ना मैं चाय बनाती हूँ जब तक ना पतिदेव आते हैं नहा के, क्योंकि पतिदेव ना बिना चाय के मंदिर में नहीं जाते हैं, यानी चाय पी के। और अभी देखो सूर्य देव भी अस्त होने लग गया है, यहाँ से ना सब कुछ पता चल जाता है, यानी कि हमारी खिड़की से। यहाँ पर देखो पतिदेव भी आ गए हैं ना के, और अभी बाल बना रहे हैं, तो पकड़ो चाय, पहले चाय पी लो, इतनी चाय में दे नहीं है, अच्छी चाय हो देखो, अच्छी पूरी दूध दूध है उसमें, ज़्यादा दूध है उसमें,
पानी कम है, पी लो जल्दी। मैं नहीं पी रही ना अभी तक भी, हो ज़्यादा क्योंकि मैंने आज दो चाय दिन में पी ली, एक सुबह एक दिन में। तो पतिदेव तो चले गए थे चाय पी के मंदिर में, तो अभी तक ने मैंने वॉक किया है और वॉक करते टाइम ना अब थकान लग गई है, तो अब थोड़ी देर तक ना आराम करती हूँ। बाकी अभी ना धूप भी चली गई और ठंड लगने लग गई है, तो अब थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद ना डिनर बनाने की तैयारी करूँगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहे। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट।